कैसे कम होगा, प्रेशर कम होगा तब ना टेम्परेचर कम होगा, तब ना रेफ्रिजरेटर में चीजें ठंडी होगी। अब प्रेशर कब कम होगा, प्रेशर कब कम होगा, जब गैसों का प्रसार होगा, जब गैसें फैलेगी, गैसों का प्रसार। अब तुम कहोगे कैसे, जैसे तुम क्या करो मेरे दोस्त, तुम क्या करो, पेट में बहुत प्रेशर है अपाद दो, पेट में बहुत प्रेशर है अब पाद दो, तो पादोगे जैसे तो प्रसार होगा। अब भैया जब प्रसार होगा तो फैलेगा, अब फैलेगा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन हाई प्रेशर पर गैस रहेगा कर रहे हैं। और जब उन्हें कहता बाप रे बाप पाद के गर्मा दिया कीरे, तो पादेगा तो भयानक गर्माएगा, क्योंकि प्रेशर अगर हाई है, प्रेशर हाई होने के कारण उसके अणुओं में गति ज्यादा होगी, अणुओं में गति ज्यादा होगी तो रगड़ ज्यादा होगी, और रगड़ ज्यादा होगी तो घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा तो गति ऊर्जा ज्यादा होगा, गति ऊर्जा ज्यादा होगा तो ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा होगा, जब ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा होगा इसलिए पादते हैं तो गर्मा जाते हैं। देखो पाद के पीछे कितना थ्योरी है, तुम सोचो हम कितना एनालाइज करते होंगे पादने की क्रिया को। अरे इसलिए चला, हम साइंस के लोग हैं सर, हर चीज को एनालाइज करते हैं। हम तो ये भी देखते हैं हगने के बाद कि क्या उसका शेप नहीं बदल रहा है, क्या उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, तो लगता है कि हाँ निश्चित है, इसका मतलब पेट ठीक है। अगर आकार और आयतन दोनों बदल गया, इसका मतलब पेट झड़ रहा है, लिक्विड निकल रहा है, इसका मतलब आयतन वही रहेगा, आकार बदलते रहेगा। इसलिए तुम देखना लेटरिंग कर दो, अब जब ये लेटरिंग करोगे तो अगर आयतन इधर उधर भागने लगता है, इसका मतलब समझ लो पेट खराब है, समझ रहा है, मतलब गूह तक को हमने छोड़ते हैं एनालाइज करने से। साइंस ट्रेड हर चीज को, टेक्निकल आईटीआई हर चीज को जब आप एनालाइज करके पढ़ते हैं सर, तो आपका काम होता है और तब आपको समझ में आती है। हमने कहा प्रेशर को कम करेगा कब, जब सर फैलेगा बाहर निकलेगा तो गैसों का प्रसार होगा, गैसों का प्रसार होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो हमारा सर रेफ्रिजरेटर में खाना ठंडा हो जाएगा। अब जल्दी से बता दें मेरी जान आंसर क्या होगा, इसका आंसर ठीक कर लेना, संपीड़ित गैस का आकस्मिक प्रसार, प्रसार होगा यानी फैलेगा तो प्रेशर कम होगा, गैसों का प्रसार, प्रेशर कम होगा तो गैसों का प्रसार होगा, तो और इसके कारण टेम्परेचर कम होगा, जिसके कारण सर हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। गैसों का प्रसार होने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम तो सर हमारा रेफ्रिजरेटर में खाना ठंडा हो जाएगा। अगला